हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टडी। एलआईसी असिस्टेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप हमारे चैनल राइजिंग स्टडी पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग्स एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव इफ़ देयर आर नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ। कितने दिन तक या कितने मंथ तक कोई भी ट्रांजेक्शन ना किए जाने पर हमारे सेविंग्स और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी वो बंद कर दिए जाते हैं। 24 मंथ, 30 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ। इसका राइट आंसर है 24 मंथ या 2 ईयर्स, 2 साल या 24 महीने तक जब तक हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं अपने अकाउंट में, तो हमारे सेविंग्स और करंट अकाउंट जो है वो इनएक्टिव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश इज ए मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा मार्केट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म में इक्विटी या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लोन ले सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज को और बाय कर सकते हैं? कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, इनफॉर्मल मार्केट। इसका राइट आंसर है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पर कोई भी सिक्योरिटीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेल की जाती है, बाय की जाती है। कैपिटल मार्केट किसके अंडर आता है? कैपिटल मार्केट जो है वो सेबी के अंडर आता है, और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता हैज द टैगलाइन ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। इनमें से किस बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और उसकी टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसकी टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। आगे के बैंक और हेडक्वार्टर देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वडोदरा में। केनरा बैंक, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है मंगलौर में। अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में। बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंटी डेटेड चेक? इनमें से एंटी डेटेड चेक क्या होता है? व्हाट इज एन एंटी डेटेड चेक? एंटी डेटेड चेक क्या होता है? ए चेक विच हैज कंप्लीटेड 3 मंथ्स फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इशू। वह चेक जिसने अपने इशू डेट के 3 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं, जब वह इशू किया गया है उसके बाद उसके 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। ए चेक विच हैज़ कंप्लीटेड 6 मंथ फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इशू। वह चेक जिसके इशू डेट के बाद 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। ए चेक रिटर्न बाय ड्रॉअर एंड डेटेड एट सम पॉइंट इन पास्ट इज कॉल्ड एज द एंटी डेटेड चेक। एक चेक जो ड्रॉअर के द्वारा बनाया गया है और उसमें जो डेट लिखी गई है वो पास्ट की डेट लिखी गई है, उसे एंटी डेटेड चेक कहते हैं। चेक विथ ओनली सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर्स। एक चेक जिसमें केवल ड्रॉअर्स के सिग्नेचर होते हैं। इसका राइट आंसर है सी। ए चेक रिटन बाय ड्रॉअर एंड डेटेड एट सम पॉइंट इन पास्ट इज कॉल्ड एज द एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक क्या होता है? चेक तो जो है वो प्रेजेंट टाइम में बनाया जाता है, पर उस पर जो डेट लिखी होती है वो पास्ट टाइम की लिखी होती है। अगर आज की डेट है 9 दिसंबर, हम चेक बना रहे हैं 9 दिसंबर को, लेकिन हमने डेट कितनी लिख दी उसकी? हमने उसकी डेट लिख दी है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर डेट डाल दी है, तो वो चेक कहलाएगा एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक मीन्स जिसमें पास्ट की डेट डाली जाती है लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does A stand for in NaCH? NaCH में A क्या होता है? NaCH में A होता है Application, Arbitrage, Automated, Adjustment. NaCH में A है Automated. NaCH के बारे में डिटेल में देखेंगे आगे। NaCH National Automated Clearing House. NaCH का फुल फॉर्म क्या है? National Automated Clearing House. NaCH होता क्या है? NaCH a computer based clearing house and settlement facility established to process the exchange of electronic transaction between participatory financial institution. NaCH एक computer based clearing house है जो कि settlement facility
प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्सचेंज करता है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। NACH क्या होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड क्लियरिंग हाउस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करता है किनके बीच में, पार्टिसिपेट करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में। NACH का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। किसके अंडर में आता है, NACH जो है वो NPCI के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VPA इज एन आइडेंटिफायर दैट कैन बी यूनिकली मैप्ड एन इंडिविजुअल अकाउंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPA। VPA जो है एक आइडेंटिफायर है जो कि किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट को यूनिकली मैप्ड कर लेता है, यानी एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक एड्रेस होता है जो कि इंडिविजुअल अकाउंट को पहचानता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPA, VPA का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्रोवाइडर अकाउंट, वैल्यू पेमेंट अमाउंट, वर्चुअल पेमेंट अकाउंट, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसका राइट आंसर है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। VPA, VPA का यूज़ कहाँ पर होता है, VPA का यूज़ UPI में होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में। VPA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFTPOS इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल इज बेस्ड ऑन, आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन यूज़ की होगी। इसमें क्या होता है, हम अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी से रिलेटेड है EFTPOS इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। किस पर बेस होता है, SMS अलर्ट्स पर, डेबिट कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड, बोथ B&C। इसका राइट आंसर है बोथ B&C। EFTPOS क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है जो कि पॉइंट ऑफ सेल पर डिपेंड होता है, उससे रिलेटेड होता है। इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का यूज़ किया जाता है। EFTPOS इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। EFTPOS इज ए पेमेंट सिस्टम, एक पेमेंट सिस्टम है दैट अलाउज फास्टर एंड सेफर डिजिटल फंड ट्रांसफर एट पेमेंट टर्मिनल्स यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। EFTPOS क्या होता है, जो EFTPOS है एक पेमेंट सिस्टम है जो कि फास्ट और सेफ डिजिटल फंड ट्रांसफर हमको प्रोवाइड करता है, किस पर, डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड्स पर हमको ये पेमेंट टर्मिनल्स प्रोवाइड करता है। EFTPOS का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैंकिंग व्हाट इज IMPS, IMPS क्या होता है, IMPS बैंकिंग में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मनी प्रोवाइडिंग सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरनेशनल मनी प्रोवाइडिंग सिस्टम, इमीडिएट मनी प्रोवाइडिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी हमें जब कोई पेमेंट करना होता है, कोई ट्रांजैक्शन करना होता है और इमीडिएट करना होता है तो हम RTGS और NEFT का यूज़ ना करके IMPS का यूज़ करते हैं। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, IMPS का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आपको याद रखना है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस कब लॉन्च हुआ था, 2010 में। IMPS इज एन रियल टाइम इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग ATM फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। IMPS जो है एक रियल टाइम इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जो कि RTGS और NEFT के बाद यूज किया गया है, लाया गया है। इसे क्या होता है, मोबाइल से ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, ATM ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और इसमें तुरंत का तुरंत, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस है ये, इसमें तुरंत पेमेंट जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर मुद्रास बैंक शिशु स्कीम। मुद्रा बैंक के बारे में आपको पता होगा, मुद्रा में मैक्सिमम लोन अमाउंट शिशु स्कीम के अंदर कितना है। इसमें तीन स्कीम होती है, शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु स्कीम में जो है वो मैक्सिमम लोन कितना है, 25,000, 50,000, 75,000, 10,000, 1,00,000। तो इसका राइट आंसर है 50,000, यानी 50,000। शिशु स्कीम में मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है, 50,000।
मुद्रा, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें यू का फुल फॉर्म, ए का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा लोन्स कैटेगरी तीन में बटी हुई है, तीन कैटेगरी है, शिशु अप टू रेट 50,000 यानी 50,000 तक इसमें लोन दिया जाता है, किशोर रेट 50,000 अप टू 5 लाख इसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, तरुण 5 लाख अप टू 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का इसमें लोन दिया जाता है। आपको इसकी कैटेगरी याद रखनी है, शिशु किशोर तरुण 50,000, किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। अच्छा, मुद्रा लॉन्च कब हुई थी? मुद्रा जो लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जितने भी माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनको लोन प्रदान करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, किसके थ्रू? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू, नॉन बैंकिंग NBFC के थ्रू, और जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको ये सपोर्ट करता है, जितने भी बिजनेस हैं माइक्रो इंटरप्राइजेज के उनको ये लोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉन्ड इशूड एट अ प्राइस लेस देन इट फेस वैल्यू पेबल ऑन इट्स ड्यू डेट एंड इट फेस वैल्यू वेरिंग नो ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड। एक बॉन्ड जो कि अपने फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता है, फेस वैल्यू क्या होती है? जो किसी बॉन्ड की ओरिजिनल वैल्यू होती है, जैसे किसी बॉन्ड की ओरिजिनल हमारा रेट है 100 रुपीज, हमने उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया, जैसे 5% हमने डिस्काउंट दिया तो वो हमें कितने में पड़ेगा? 95% में। तो फेस वैल्यू हमारी हो गई 100 और डिस्काउंट रेट हो गया 95। एक ऐसा बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू से कम पर हमको मिलता है, इशू किया जाता है और ड्यू डेट यानी उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है उसी पर वो पेबल होता है, इट्स फेस वैल्यू बेयरिंग नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी फेस वैल्यू पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक ऐसा बॉन्ड जिस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, प्रिफरेंस बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड, प्रीपेक्चुअल बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड। इसका राइट आंसर है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जो कि अपनी फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता है और इसकी फेस वैल्यू पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रदान किया जाता। क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू देखने के लिए राइजिंग स्टडी के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, राइजिंग स्टडी को सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोज़ की लिंक को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।